पानीपत शहरी सीट से बीजेपी ने प्रमोद विज को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त विज साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से टिकट आने के बाद वो सोचते हैं और किस तरीके की चुनाव की तैयारी। तो विज साहब, टिकट मिल गया है, अब मैदान में जाने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं? नमस्कार जी। जिलाध्यक्ष होने के नाते पानीपत जिले की चारों विधानसभा पूर्ण तरह से गठित है, संगठन पूरा गठित है, चाहे कोई पदाधिकारी हैं जिले के, चाहे मंडलों के पदाधिकारी हैं, चाहे जिले के मोर्चे हैं, चाहे जिलों के पदाधिकारी हैं, शक्ति के अंदर प्रमुख हैं, बूथ प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख हैं, संगठन पूरी तरह से निर्मित करके दिया गया है, क्योंकि यही जिम्मेवारी मेरे को दी गई थी और मैंने उसको अपने सभी साथियों सहयोगियों की मदद से उसको पूर्ण रूप से किया है। कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। पानीपत में पिछले 8-9 महीने पहले जब निगम के चुनाव हुए तो हमने 26 वार्ड में से कांग्रेस को सिर्फ 1 वार्ड में विजय मिली, 25 वार्ड में किसी को विजय और नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी है। और उसके बाद साथ ही साथ मेयर का चुनाव जो हुआ था उसमें एक ऐसी जीत जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत थी, 75,000 के लगभग हमारी बिटिया अवनीत कौर जीत के आई। और अभी हाल में आपने देखा होगा जब लोकसभा की चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता, एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने बड़ी लगन के साथ, और मैं तो ये कहूँगा भाई संजय भाटिया जी हमारे, उनको हम फॉलो करें, उनकी लगन को, निष्ठा को, काम करने की प्रणाली को मैं दाद देता हूँ इस बात की कि उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने 6,56,142 वोट से जिताया। ये एक हमारा एग्जाम्पल है कि हमारा संगठन कितना मजबूत है। संगठन ने मजबूत होकर चुनाव लड़ा, निगम चुनाव आप जीते, फिर लोकसभा चुनाव जीते रिकॉर्ड मतों से, और मौजूदा विधायक रोहिता रेवड़ी का टिकट कटा है, आपको टिकट मिला है, तो क्या मानते नहीं कि इससे बगावत हो सकती है या उनकी नाराजगी हो सकती है, उनको कैसे मनाएंगे? देखिए, टिकट पहले भी कार्यकर्ता को मिला था 2014 में और अब 2019 में कार्यकर्ता को मिला है। बगावत किसी लहजे में कहना ठीक ही नहीं है। रोहिता जी ने अपनी लगन के साथ, निष्ठा के साथ बहुत अच्छा काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना विकास किया, रोहिता जी ने विकास में कमी नहीं रखी। लेकिन ये पार्टी का निर्णय, कई बिंदु पार्टी सोचती है जब चुनाव आता है टिकट किसको देनी है। ऐसा नहीं है कि जिसको टिकट मिलती है वही सबसे उत्तम है। ये थी पानीपत शहरी सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है प्रमोद विज जी, और जिनका कहना है कि वो जनता की समस्याओं को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, जो पानीपत शहर के जो काम नहीं हो पाए हैं उनको पूर्ण कराएंगे, और पार्टी ने जो विश्वास उनके ऊपर जताया है उस पर वे खरा उतरेंगे और इस सीट को प्रयास करेंगे कि जीत के बाद बीजेपी की झोली में डाले। पानीपत से जयदीप राठी, R9 TV।